मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बीजेपी के एमपी रमेश बिधूड़ी ने एक मुस्लिम एमपी दानिश अली को सांसद के अंदर ही मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी और भी ना जाने क्या क्या अपशब्द कहकर गालियां दी हैं, वो भी लोकसभा के अंदर जो सबसे पवित्र माना जाता है। वहां इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बीजेपी के एमपी कर रहे हैं, मगर किसी ने भी इस बीजेपी के एमपी को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वहां पर बैठे रविशंकर प्रसाद हंसते हुए दिखाई दिए। जिस एमपी के दिल दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर भरा हो, सांसद के अंदर ही गाली गलौज कर रहे हो, उग्रवादी, आतंकवादी, इसके अलावा और भी ना जाने क्या क्या आप शब्द कहे जो ना हम आपको सुना सकते हैं और ना ही बता सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर एनसीपी के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीजेपी को रमेश बिधूड़ी से माफ़ी मंगवानी चाहिए और इन्हें सस्पेंड भी कर देना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि स्पीकर को तुरंत इन्हें रोकना चाहिए था और कहना चाहिए कि ये रिकॉर्ड पर नहीं लेंगे, मगर ऐसा नहीं किया गया। वहीं जितेंद्र आव्हाड ने भाजपा पर पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया है। एनसीपी के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है आपको सुनाते हैं। ऐसा है कि बहुत शर्मनाक चीज है, बीजेपी के एमपी रमेश बिधूड़ी जो दिल्ली से आते हैं, वो बड़े महफिल में जाके दानिश अली की तरफ देख के अतिरेकी, आतंकवादी, मुल्ला, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि उनके बाजू में दो बड़े नेता बैठे थे, हमारे प्रसाद साहब के रूप में रविशंकर प्रसाद, वो हंस रहे थे। एक गालियों में हंसने जैसा क्या है? एक गालियां हमारी संस्कृति का प्रदर्शन कर रहा है कि हमारी संस्कृति किस स्तर पे नीचे गिर रही है। लोकसभा जैसे पवित्र मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, जो उससे बढ़कर है, वहां एक आदमी एक जनसमुदाय के खिलाफ इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है और हमारे ज्येष्ठ मंत्री हंस देते हैं। बीजेपी ने तो तुरंत बाहर आके माफी मांगनी चाहिए थी, उसको सस्पेंड कर देना चाहिए था। उस जगह पे बैठे हुए जो स्पीकर है, उस स्पीकर ने उसको तुरंत वो उस संभाषण को रोकना चाहिए था और कह देना चाहिए था कि मैं ये रिकॉर्ड से संभाषण निकाल रहा हूं। कुछ नहीं बोले वो भी। आप यानी दुबे डर का माहौल पूरे देश में तैयार कर रहे हो कि हम कुछ भी बोलेंगे मुसलमानों के खिलाफ, आपको सुन के लेना है। ऐसा नहीं हो सकता है। कोई हिंदू उसको पसंद नहीं करेगा। मैं हिंदू हूं, मैं इन सब चीजों को पसंद नहीं करता हूं। तुम किसी को क्या साबित करना चाहते हो? तुम क्या बाप हो, क्या मालिक हो, क्या इस देश के? देखो ऐसा है, हम तो पूरी मांग करेंगे, बीजेपी ने माफी मांगनी चाहिए और हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला जी, ये गंभीरता से लेके उस आदमी को कुछ उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सोशलिस्ट सेक्युलर ये शब्द निकालना ही गलत है। वो संविधान का अहम हिस्सा है और वो हिस्सा ऐसे ही निकाल देना, ये संविधान का ही नहीं अपमान बल्कि लोकसभा का भी अपमान है कि बिना लोकसभा के इजाजत के आपको संविधान का एक कॉमा भी नहीं बदल सकते, आप पूर्ण विराम भी नहीं बदल सकते हो, तो ये कैसे क्या बदला गया? ये जानबूझ के बदल रहे हैं, जानबूझ के इस देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सबसे आगे हमारे बीजेपी के कुछ लोग हैं, जैसे रमेश बिधूड़ी जैसे,
जो इस देश का पूरा माहौल खराब कर रहा है। सर समाजवादी पार्टी के जो पूर्व सांसद थे आजम खान ने जिस तरीके से संसद में महिला सभापति को जब कहा था तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सारे खासदार जो उनके संसद राष्ट्रपति के माध्यम थे, अब रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके से कहा है अब तक कोई कार्रवाई नहीं। देखो मैं तो मांग कर रहा हूँ, मैंने पहली बार मांग रखी है कि उनको कड़क सजा होनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं अभी दिल्ली में क्या हो रहा है, सब दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन हम इंडिया की तरफ से इसका कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम अपील करेंगे राष्ट्रपति महोदय से और हमारे ओम बिरला साहब से जो अध्यक्ष बने बैठे हैं लोकसभा के, कि इस आदमी को लोकसभा में रहने के लायक नहीं है। आदमी इतने पूरे स्तर को गिरा दिया है, भारत की इतनी बेइज्जती दुनिया भर में। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो पहले बिल को खड़ा करते थे महिला आरक्षण का, आज वो एक साथ आकर बिल का समर्थन कर रहे हैं। देखो ऐसा है कि जो फाड़ा करते थे नहीं मालूम, किसी ने फाड़ा वो नहीं मालूम, लेकिन ये बिल लाया तो कांग्रेस ने ही था ना, पास तो कांग्रेस ने ही करवाया था और उससे सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी ने किया ही था। महिला बिल आना ही नहीं चाहिए ये सोच किसकी थी, ये बीजेपी की सोच थी। ये अच्छा है कि 9 साल में तुम्हारी सोच अच्छी हो गई और तुम बोले कि नहीं महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए तो हम तुम्हारे साथ है। प्रधानमंत्री ने ऐसा भी कहा कि बहुमत वाली सरकार हो तो बड़े से बड़ा फैसला भी जो है आसानी से लिया जा सकता है, एक उदाहरण हमने यहाँ दिखा दिया। उदाहरण क्या दिखा है, हमने समर्थन किया है, हमने कोई बहस की क्या, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस समुदाय जिस जाति समुदाय जिस जन समुदाय में 50% एक समाज का एक तबका है उसको आरक्षण मिलना ही चाहिए, तब समाज आगे बढ़ेगा ना। महिलाओं का 50% हिस्सा है ही ना समाज के प्रतिनिधित्व में,